दोस्तों, सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 सितंबर सोमवार 2021 के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए 20 सितंबर का ये दिन कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों की क्या स्थिति होगी, क्या शुभ योग बनेंगे और इनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर किस तरह से पड़ेगा, किन किन चीज़ों में आपको लाभ होगा और किन किन चीज़ों में आज आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, दोस्तों सभी कुछ जानेंगे विस्तार से। आपकी नौकरी, आपका करियर, आपका व्यापार कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, खासतौर से आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी, पति पत्नी के बीच में रिश्ते कैसे रहेंगे, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी आर्थिक स्थिति में क्या उतार चढ़ाव होंगे, सभी कुछ जानेंगे। अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपकी भी राशि तुला है तो नीचे लाल बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम यहां तुला राशि की ज्ञानवर्धक वीडियो प्रतिदिन लाते रहते हैं। तो नीचे लाल बटन दबा दें, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्रतिदिन समय से मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें। तुला राशि वालों, आपका सारा जीवन शनिदेव की कृपा पर ही चलता है, तो कंजूसी भूले से भी ना करें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। तो दोस्तों, 20 सितंबर को शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है, शूल नाम का योग रहेगा, सोमवार का ये दिन है। चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे, जबकि सूर्य कन्या राशि में रहेंगे। बात करें राहु काल के समय की तो ये समय होगा सुबह 7:47 से लेकर सुबह 9:18 तक का समय आपके लिए शुभ है। इस समय आप कोई भी शुभ काम ना करें, कोई भी नया काम ना करें। बात करें अगर आज के अभिजीत मुहूर्त की तो ये समय होगा सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:44 तक का समय आपके लिए शुभ है। इस समय आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, कोई भी नया काम कर सकते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा। दोस्तों, आज आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आज आपका शुभ अंक रहेगा 3। तो दोस्तों, ये था ग्रह नक्षत्रों का हाल, इसी के आधार पर हम आगे जानेंगे आज के राशिफल के बारे में। अगर अभी तक आपने वीडियो पर लाइक नहीं करा है तो वीडियो लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, 20 सितंबर किन किन क्षेत्र में आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, चलिए सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा की स्थिति के बारे में। चंद्रमा आज आपके सप्तम भाव में विराजमान है, सबसे पहले यहाँ पर आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे। आज आपके लिए जरूरी होगा कि आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ कुछ समय जरूर बिताएं, वो चाहे आपसे कुछ कहें या ना कहें, लेकिन वो भी आपका साथ चाहते हैं, आपका समय चाहते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। इसलिए आज आप अगर उनके साथ कुछ समय बिताएंगे, उनकी सेहत के बारे में पूछेंगे, उनके हालचाल जानेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनको किस चीज़ की आवश्यकता है, तो कोई परेशानी तो नहीं है। दोस्तों, ये आपके लिए इस दिन का सबसे बड़ा काम होगा, अपने घर के प्यारे से सदस्यों के साथ समय बिताने से आपको बहुत अच्छा लगेगा। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा समय ही अपने घर के सदस्यों के साथ बैठकर बिताएं, इस चीज़ का आपके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ेगा, इस कार्य को आप करके जरूर देखें। इसके अलावा अगर हम आपके व्यवसाय करियर की बात करें तो देखिए, आप ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए आज का ये दिन बड़ा अच्छा रहेगा। आपको पिछले समय से जिस पदोन्नति का इंतजार था वो पदोन्नति अब आपको मिल सकती है। हालांकि चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर आपके सातवें भाव में है और सातवें भाव में चंद्रमा काफ़ी अच्छे फल देते हैं, मिले जुले परिणाम देते हैं। लेकिन इसके अलावा अभी बुध का राशि परिवर्तन हुआ है, उसका भी प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। नक्षत्र भी काफ़ी अच्छे हैं जिससे आपको पदोन्नति का लाभ मिल सकता है, आपके आसपास कोई ऐसी खुशखबरी आपको मिल सकती है। कुल मिलाकर आपके लिए और इस राशि के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी आज का ये दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। उन्होंने जो मेहनत की है उसका शुभ परिणाम अब आपको मिलने वाला है। और जहां तक करियर का सवाल है तो कुल मिलाकर आज का ये दिन अपने करियर के लिए, आपके करियर के लिहाज से काफ़ी शुभ रहेगा। आप अपने करियर के बारे में अच्छे निर्णय ले पाएंगे और आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो बेहद अच्छी रहेगी। हालांकि थोड़ा सा मानसिक तनाव आज आपको रह सकता है, चिड़चिड़ापन थोड़ा हो सकता है, लेकिन इसका असर इतना नहीं होगा कि वो आपके कामों को बिगाड़ सके या जिसकी वजह से आपके काम रुक जाएं। यदि आप अपने व्यापार को फैलाना चाहते हैं तो आज आपको कुछ नए संपर्क बनाने की कोशिश करनी होगी और ये जो नए संपर्क बनेंगे ये आपको भविष्य में कमाई के नए साधन उपलब्ध कराएंगे, यानी नए लोगों से मिलना, नई चीज़ों को सीखना आज आपके लिए अच्छा होगा। इन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करें। बाकी अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो क्यों ना आप अपने साझेदार या साइड में पार्ट टाइम कुछ काम कर लें, तो इस पर्टिकुलर काम के अलावा भी आप कोई छोटा मोटा काम कर सकते हैं जिसको हम साइड बिजनेस कह सकते हैं, जहां से आपको अच्छी इनकम प्राप्त हो सके। दोस्तों, ऐसे काम जरूरी हैं, इसलिए इन सभी चीज़ों की तरफ आपको जरूर ध्यान देना होगा। देखिए, आज काम होते होते आपके कुछ ऐसे
ऐसा कर जाएंगे यकीन मानिए जिसकी आपको बेहद खुशी होगी। ऐसे काम आपके बन जाएंगे और उससे ज़्यादा आपके परिवार को खुशी होगी। आज आप कोई ऐसा कार्य करने वाले हैं या कहें तो ऐसी खुशी अब आपको मिलने वाली है कि जिसका आपको इतनी खुशी होगी कि जिस खुशी का आपको ठिकाना ना हो। इसके अलावा देखिए, अपनी आर्थिक स्थिति को दृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए आज आप नए आयाम के बारे में, नई नई योजनाओं के बारे में सोचेंगे। साथ ही इस समय आपको अपने व्यापार से जुड़ी कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है और आपके कुछ बड़े लोगों से संपर्क भी बनेंगे। साथ ही शिक्षा प्रतियोगिता, और अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं तो देखिए, इस समय अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं तो अब आपकी मेहनत रंग लाएगी। साथ ही जो आपकी पुरानी समस्याएं थी वो भी दूर होंगी, उन पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं और आपका जो मन होगा वो काफ़ी प्रगतिशील विचारों से प्रभावित होगा। यानी अगर आप खुद से ही मोटिवेट होंगे और ये जो मोटिवेशन होगा ये आपके अंदर सकारात्मकता का वास करेगा। आप जो परिश्रम करते हैं उसका मनोवैच्छित परिणाम अगर आपको अभी नहीं मिला है, कम मिलता है या नहीं मिला है, तो देखिए इसके लिए आपको हताश नहीं होना है, क्योंकि आने वाला जो समय है इन कामों को पूरा करने के लिए बेहद शुभ है। वहाँ पर आपको बेहद अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे जिससे आप खुश हो जाएंगे। दोस्तों, ये जो समय होगा ये आपके मन में सुखद और उत्साह की वृद्धि करने वाला समय होगा। आज आप कुछ पार्टीज में भी जाएंगे, समारोह में जा सकते हैं। अगर आपको किसी सामाजिक समारोह में बुलाया जाता है, वहां से आपके लिए आमंत्रण आता है, तो जरूर जाएं। शादी विवाह में जाने का योग भी है और वहां जाकर आप खुद एंजॉय भी करेंगे, क्योंकि वहां जाकर आप अपनों से मिलेंगे, मित्रों से मिलेंगे और उनसे साथ मिलकर काफी एंजॉय करेंगे। साथ ही इस एंजॉयमेंट के दौरान आप कुछ क्रिएटिव भी हो सकते हैं, यानी आप कुछ ऐसे आइडियाज लोगों के सामने पेश कर सकते हैं जिससे आपको नई पहचान मिले, लोग आपकी बातों को सुनें और उनको समझें। आज आप किसी चीज पर ज्यादा ध्यान देंगे और वो होगी आपकी जेब। यानी कि अगर आप इस चक्कर में रहेंगे कि आप किस तरह से लोगों से मिलकर कुछ ऐसा काम करें जिससे आपको आगे आने वाले समय में प्रॉफिट हो, तो ये सोच अच्छी है। आप सोचें और कुछ काम करने के बारे में आपको ध्यान देना भी चाहिए। इस समय आपकी हर खुशी आपका साथ देगी। आप जो भी खुशी पाना चाहते हैं वो आपका साथ इस समय जरूर देगी। बस आपको हर चीज़ में कोशिश करनी है, क्योंकि ये कोशिश तुला राशि वालों बखूबी जानते हैं आप किस तरह से कर सकते हैं। संतान की तरफ से भी आपको अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे या कुछ खुशी की बात आपको सुनने को मिल सकती है जिससे उत्साह बढ़ेगा। रुके हुए सभी काम भी आपके पूरे होंगे। बाकी अगर बात करें आपकी लव लाइफ की, तो देखिए पारिवारिक संबंध आपके मधुर रहेंगे, घर में सुख शांति का वास होगा। रोमांस की दुनिया, आज आपको ऐसे व्यक्ति से मिलना होगा, आपको लगेगा कि हाँ वो मेरा सच्चा पार्टनर है, सच्चा जीवन साथी है, और देखिए वो आपके जबरन पैर खींच रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ ऐसा भी सोचने को मिल सकता है कि आप उससे ज़बरदस्ती मिल रहे हैं या वो आपसे ज़बरदस्ती कर रहा है मिलने के लिए, तो आप सोच समझ कर ही कदम उठाएं। बाकी प्रेम जीवन के लिहाज से आज का ये दिन काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, आपको कुछ ऐसा भी लग सकता है कि परियों की कहानी हो, लेकिन यथार्थ को ज़मीन पर आपको लाना होगा और ज़मीन पर ही रहना होगा। अगर आप अपना नया प्रेम संबंध शुरू करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत करने से आपको अभी रुकना होगा। अभी आप नए प्रेम संबंध शुरू ना करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि इस समय आप किसी महिला के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, परंतु आपको इस समय प्रेम संबंधों में कदम नहीं बढ़ाना है। बाकी विवाहित जीवन का पूरा आनंद आप लेते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि विवाहित जीवन का आनंद लेने के लिए आपके पास कई मौके भी आएंगे। ये जो दिन है ये कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा आपके लिए कहा जा सकता है। यहाँ पर आपके लिए काफ़ी सफलता के द्वार खुले हुए हैं, बस आपको अपने काम करने की देर है। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि समय जैसा आप काम करेंगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए काम करें, चीज़ों का ध्यान रखें, फोकस करें। इसका रिजल्ट आपको ना मिले तो इस समय आप हताश ना हों। बाकी आने वाले समय में आपके काम और आपका भविष्य दोनों ही ऊँचाइयों तक पहुँचेगा। बाकी इस दौरान आपके कोई छोटे मोटे विवाद भी हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको विवादों से दूर रहना होगा। आप उन विवादों की तरफ ध्यान ना दें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये छोटे मोटे विवाद आपका समय ख़राब करेंगे। बस आपको अपने खुद के काम पर ध्यान देना है, अपने परिवार पर ध्यान देना है। और यदि बात करें आपकी सेहत की, हालांकि छोटी मोटी परेशानियां आज सेहत में दिखाई दे रही हैं, यानी आपको इस समय कुछ मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं, तो बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। मौसमी बीमारियां थोड़ा समय के लिए होती हैं, लेकिन इससे आप आसानी से निकल जाएंगे। समय पर योग व्यायाम आदि करते रहें, पौष्टिक आहार लें, बाहर का भोजन ना करें, अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान दें। ये आपके जीवन में कई तरह की सौगात लेकर आने वाला है। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप सभी काम कर पाएंगे, और जो आने वाला समय है राशि के जातकों के लिए बड़ा खास रहेगा। और देखिए, आप आज बेहद भावुक
प्रवृत्ति के रहेंगे। प्रेम करने वाले आपके अंदर प्रेम की भावना ज़्यादा रहेगी, जो आप अपने प्रेम की भावना को अपने पार्टनर से अवगत कराना चाहेंगे। चलिए बताते हैं आज का विशेष उपाय। दोस्तों आज केले का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।